अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज का स्केच है तुर्की सीरियल पे बेस्ड है। ये फ़ोटो जो है मैंने इंस्टाग्राम से निकाला था, और इसके अलावा इस सीरियल से रिलेटेड एक फ़ोटो और होगा जो इसका नेक्स्ट वीडियो या उससे नेक्स्ट वीडियो में आ सकता है। इसके बालों में सबसे ज़्यादा जो है ना डार्क एरिया था और हाइलाइटेड बाल थे, इसलिए मैंने यहाँ पर ना चारकोल सॉफ्ट वाला यूज़ किया है, मीडियम या हार्ड वाला नहीं। और दूसरा बाकी जो बाल हैं उसमें मैंने 7B, 8B और 6B पेंसिल का यूज़ किया है। जो आई का मेरे नीचे वाला पार्ट है, लेंस के नीचे जो एरिया आ रहा है, वहाँ पे मैंने चारकोल पेंसिल का यूज़ किया था। दूसरी पेंसिल से वो इतना ज़्यादा और नुमाया नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने चारकोल यूज़ कर लिया था। उसके अलावा स्केच में एक चीज़ और है, इसमें सबसे ज़्यादा चारकोल का यूज़ हुआ है और दूसरा चारकोल पाउडर का, क्योंकि इसमें काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना हाईलाइट नुमाया हो रही है और काफ़ी डार्क बेस नहीं है ज़्यादा। नोज़ इतनी ज़्यादा हाइलाइटेड नहीं थी, इसलिए मैंने वहाँ पे HB और 2B पेंसिल का यूज़ किया है, और जो लिप्स हैं वहाँ पे मैंने 3B और 4B की यूज़ की है पेंसिल। ड्रेस पे 4B, 2B और 8B पेंसिल यूज़ किया है। ऊपर से इस ड्रेस में ये प्रिंट्स थे, उनको नुमाया करने के लिए मैंने पहले 7B पेंसिल यूज़ करके उसको ब्लेंड किया, उसके बाद उसके ऊपर 8B से हल्की हल्की जगह कुछ कुछ एरियाज में हाईलाइट दी हैं। जो लड़के का फ़ोटो है इसमें इसके आईब्रोज काफ़ी ज़्यादा जो है ना ब्रॉड और डार्क थे, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ही 8B पेंसिल यूज़ किया और बीच में हाइलाइट्स के लिए इरेज किया है।
आईबॉल में सिंपल 8B पेंसिल यूज़ करके उसमें जहाँ पे दो डॉट दिख रहे थे हाईलाइट हो रहे थे, जो लाइट आईबॉल में पड़ रहा था उस जगह से मैंने इरेज कर दिया। बाकी की जो शेडिंग है फ़ोटो के हिसाब से जहाँ पे डार्क एरियाज आने हैं वहाँ पे मैंने जो है 7B यूज़ किया है, और जहाँ लाइट आने थे वहाँ पे 4B यूज़ किया है ताकि दोनों आपस में ब्लेंड हो सके, अलग अलग पार्ट ना लगे। यहाँ पे मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी और मुझे पता नहीं चला था वीडियो ख़त्म हो गया था। ये पीछे बैकग्राउंड में पता नहीं खिड़कियाँ हैं ढेर सारी के क्या है, ये मैंने वैसे ही फ़ोटो में जिस तरह था वो देख के ड्रॉ कर दिया है। हाइलाइट्स इसमें सिंपल से दिए हैं, ज़्यादा नहीं किए, जो 6B से मैंने आउटलाइन दिया और अंदर भी 6B से ही हल्का हल्का सा शेड किया है, उसको ब्लेंड किया है। 3 दफ़ा मैंने ये प्रोसेस किया है, उसके बाद वहाँ पे मैं जो है सेटिस्फाई हो गई कि बस अब ये ठीक है। और फिर बाकी जो बचे हुए एरियाज हैं वहाँ पे मैंने चारकोल पाउडर लगा के उनको फिल किया है। ये पीछे 2 फोटो फ्रेम्स थे जिसमें अजीब सी फोटो बस इसी तरह की बनी हुई थी, वो भी मैंने ड्रॉ की है। और मेरा वीडियो कंप्लीट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू ऑल लाइक इट।